हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोबाइल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट बना दी है, आप डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोबाइल मार्केटिंग जो है, ये स्ट्रेटजीज होती हैं और टैक्टिक्स होते हैं जिनसे कि हम यूजर्स तक रीच कर सकते हैं उनकी मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू। और इसमें स्मार्टफोन आते हैं और टैबलेट आते हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ टेक्निक्स आती हैं जिनकी मदद से हम एंगेज कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं हम मोबाइल यूजर्स को, एक के वो मोबाइल यूजर्स को कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। नेक्स्ट आता है इसमें मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। तो इसमें फर्स्ट आता है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज्ड है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, और ये हमें ये जो है यूज़र को एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है फास्ट लोडिंग टाइम। तो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी साइट की स्पीड को, और हम कम भी कर सकते हैं अपने बाउंस रेट को, और इम्प्रूव कर सकते जो कि इम्प्रूव करता है यूज़र के एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट आता है एसएमएस मार्केटिंग। तो इसमें फर्स्ट आता है टेक्स्ट मैसेजेस। तो हम सेंड करते हैं प्रमोशनल ऑफर, रिमाइंडर और अपडेट एसएमएस के थ्रू। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइजेशन। तो हम टेलर मेड मैसेजेस जो होते हैं, जो यूज़र की प्रेफरेंसेस के ऊपर और यूज़र के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल ऐप। तो इसमें फर्स्ट आता है ऐप मार्केटिंग। तो इसमें हम प्रमोट करते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू, और हम ऐप स्टोर के थ्रू भी इसमें प्रमोट कर सकते हैं और इन ऐप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें पुश नोटिफिकेशन। तो इसमें हम अलर्ट भेजते हैं और अपडेट भेजते हैं ऐप यूज़र को, ताकि जो यूज़र हैं वो एंगेज रह सकें और उनको हम रिटेन कर सकें। नेक्स्ट इसमें आता है लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग। तो इसमें फर्स्ट आता है जियो फेंसिंग। तो हम यूज़ करते हैं जीपीएस का और लोकेशन डाटा का, ताकि हम डिलीवर कर सकें टारगेटेड एड, और हम ऑफर कर सकें यूज़र को उनके लोकेशन के, फिजिकल लोकेशन के अनुसार उन्हें ऑफर दे सकें। नेक्स्ट आता है इसमें प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग। तो हम प्रमोशंस भेजते हैं और नोटिफिकेशन भेजते हैं जब हमारे यूज़र एक फिजिकल स्टोर और लोकेशन फिजिकल स्टोर के पास होते हैं जब हमारे यूज़र, तो हम अपनी प्रमोशन की लिंक भेजते हैं और नोटिफिकेशन भेजते हैं यूज़र को। नेक्स्ट आता है मोबाइल सर्च ऐड। तो इसमें फर्स्ट आता है रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड। तो हम क्रिएट करते हैं ऐड को, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग और मोबाइल डिवाइसेस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है मोबाइल स्पेसिफिक कीवर्ड। तो हमें टारगेट करने चाहिए वो कीवर्ड जो कि रेलिवेंट होते हैं मोबाइल यूजर्स को, और जैसे कि नियर मी या फिर बाय नाउ। तो नियर मी में पेट्रोल पंप भी आ सकता है, आपका रेस्टोरेंट आ सकता है, आपका होटल आ सकता है, आपका हॉस्पिटल आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो ये हमें स्पेसिफिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी वेबसाइट के, अपने पेजेस के ऊपर। नेक्स्ट आता है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ASO। तो हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए अपने ऐप के टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को और टैग्स को रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ। नेक्स्ट आता है यूज़र रिव्यू। तो हमें एनकरेज करने चाहिए पॉजिटिव रिव्यू और रेटिंग, ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ ऐप की विजिबिलिटी को और अट्रैक्टिवनेस को।